नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल किल ट्रक बॉडी समाना। आज हम आए हैं बेंगलोर में, एक्सकॉन 2023 हो रहा है और टाटा मोटर्स ने यहाँ पर अपने नए इंडस्ट्री इंजन्स, जेंट सेट्स और स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर शोकेस किए हैं। कैसे वो रहते हैं, क्या क्या यहाँ पर शोकेस किया हुआ है, सारी आपको यहाँ पर डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहला जो इंडस्ट्री इंजन आता है वो टाटा एगर से यहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन 3.3 लीटर सीरीज का आ जाता है, जहाँ पर अगर पावर रेटिंग की बात करूँ तो 138 PS की यहाँ पर पावर मिल जाती है। ये डिस्प्लेसमेंट 3.3 लीटर मैंने आपको पहले बताया। अगर एप्लीकेशंस की बात करूँ, यहाँ पर पैसे प्रोपेलर बूम पंप हो गए या अपने सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सचर्स या अदर मशीन्स हो गए, इस तरह में यूज़ होता है। उसके बाद जो दूसरा इंजन आ जाता है 497 वाला यहाँ पर इंजन आता है, ये भी यहाँ पर टाटा मोटर्स का 4 सिलेंडर वाला इंजन है, नेचुरल टर्बो चार्ज एक्सीलरेशन इंजन यहाँ पर रहता है और पावर रेटिंग्स की बात करें तो 55 से लेकर 74 PS की यहाँ पर आपको पावर रेटिंग्स दे देता है। क्रेन्स होगी, बैकहो लोडर्स हो गए, वाइब्रेटर कंप्रेक्टर्स हो गए, फॉक्स हो गए, हाइड्रा और अदर मशीनरी में यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। और टाटा मोटर्स के पास ना बहुत सारे अलग से इंडस्ट्रियल इंजन यहाँ पर शोकेस किए हुए हैं। यहाँ पर जैसे 4SP62PS और यहाँ पर तो जैसे ये सबसे ज़्यादा फेमस रहता था 697, उसके बाद 69 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी यहाँ पर आया, पूरी शोकेस यहाँ पर इंजन का किया हुआ। उसके बाद जो शोकेस यहाँ पर हुआ है 497 का यहाँ पर इंजन का शोकेस किया हुआ, जहाँ पर 4 सिलेंडर का आपको इंजन मिल जाता है, गियर बॉक्स के साथ में यहाँ पर मिल जाता है। पिक एंड कैरी ट्रेन्स में आप इसको ट्रेन्स में आप यूज़ कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट है 3.8 लीटर की नेचुरल एस्पिरेटेड टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल नया ATS सिस्टम है, ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसको हम BS6 में अभी नॉर्म्स में लेकर आए हैं, जिसको DPF, DOC, DPF पार्टिकुलेट मैटर्स यहाँ पर पूरे फिल्टर होते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करते। यहाँ पर साइलेंसर होता है, यहाँ पर ये आप अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ATS का डिज़ाइन है वो स्ट्रेट टाइप है, यू शेप में यहाँ पर बनाया हुआ है, DOC, DPF, SCR, ASC यहाँ पर कंप्लाइंट बने हुए हैं। एप्लीकेशन है पिकअप कैरी ट्रेन्स हो गए, सेल्फ प्रोपेलर बू पम्प्स हो गए, सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सचर एंड अक्रॉस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एप्लीकेशन में हो जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन जो आ जाती है वो आ जाता है यहाँ पर 82.5 KVA का यहाँ पर जेनसेट। टाटा मोटर्स घर से आने वाला बहुत बड़ा जेनसेट है, बट टाटा मोटर्स यहाँ पर 25 KVA से लेकर 125 KVA तक यहाँ पर जेनसेट्स खुद बनाता है और हाई एंड टॉर्क, हाई एंड आपको यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी और हाई एंडोरेंस आपको यहाँ पर देता है। इसमें सबसे ज़्यादा खास पता क्या है, देखो आपने इंजन ले लिया तो आपको स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ेगी, टाटा मोटर्स की गाड़ियों में इंजन वैसे ही चल रहे हैं तो जो स्पेयर पार्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने ये घर में या अपनी इंडस्ट्री में ये इंजन लगाया है तो अगर आपको स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ रही है तो आपको ईजिली आप इसको ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा खास बात जो मैंने इस इंजन में देखी है, चाहे हाई अल्टीट्यूड हो, चाहे लेह लद्दाख की ठंड हो, चाहे जहाँ पर जैसलमेर की गर्मी हो, ये इंजन आपका यहाँ पर साथ नहीं छोड़ने वाला, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंजन यहाँ पर टाटा मोटर्स घर से आने वाला है। यहाँ पर आप उसकी प्लेसमेंट देखो, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर इंजन बनाया हुआ है, यहाँ पर देखते हो माउंटिंग अच्छी की हुई है और यहाँ पर देखते हो परफॉर्म फोम लगी हुई ताकि बिल्कुल नॉइस लेस यहाँ पर ये इंजन रह सके। जेनसेट रेटिंग की बात करें 82.5 KVA का यहाँ पर जेनसेट इंजन है और इंजन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 497 TC का यहाँ पर इंजन रहता है। डिस्प्लेसमेंट आए 3.7 लीटर की रहती है और फ्यूल इंजेक्शन में यहाँ पर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन आपको देखने को मिल जाती है, SCR टेक्नोलॉजी पर ये बेस है। और अगर मैं एप्लीकेशन से बात करूँ तो यहाँ पर आपको MSME, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स एंड शोरूम्स और अदर्स में आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो एक्सल है, हब रिडक्शन सीरीज में यहाँ पर एक्सल लगा हुआ है और यहाँ पर ये लाइव एक्सल है। आप सामने यहाँ पर देख रहे हो क्राउन एंड पिनियन आपकी असेंबली देख सकते हो, एक्सल्स की असेंबली देख सकते हो और इसकी जो लोडिंग लोड रेशियो यहाँ पर रहती है 16 टन की यहाँ पर रहती है। रिडक्शन रेटों की बात करें तो 9.8 की यहाँ पर मिल जाती है। की फीचर्स में सबसे ज़्यादा एक्सल्स में सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है इंटर एक्सल, डिफरेंशियल एप्लीकेशन में यहाँ पर टेंडर एक्सल में यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, स्पेशली ट्रक माउंटेड जो क्रेन्स होती है ना उनके लिए ये बेस्ट सूटेड एक्सल यहाँ पर रहने वाला है। एक और एक्सल यहाँ पर टाटा मोटर्स ने शो किया है वो भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर एक सेकंड एक्सल टाटा मोटर्स ने यहाँ पर एक्सकॉन में शो किया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। हब रिडक्शन सीरीज में ये लाइव एक्सल यहाँ पर आ जाता है। इसकी अगर लोडिंग रेशियो की बात करें तो 16 टन की यहाँ पर लोडिंग रेशियो मिल जाती है, बहुत ही हैवी एक्सल है। और सबसे खास बात है टाटा एक्सल यहाँ पर रिलायबल है, कंप्लेंट नहीं आती। और दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर रिडक्शन रेशियो बात करें 9.8 की रहती है। पिकअप कैरी क्रेन्स हो गई या फॉकलिफ्ट्स हो गई या अदर मटेरियल्स में यहाँ पर आप इसको इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही रिलायबल है।
तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टाटा मोटर्स घर से आने वाले और एक्सल हैं, जो कि SRT एक्सल हैं, बेंजो एक्सल भी यहाँ पर आते हैं, और आजकल यहाँ पर RA 109 RR एक्सल भी यहाँ पर दिए हुए, सारे एक्सल यहाँ पर शोकेस किए हुए, यहाँ से आप एक्सल्स भी, ये एक्सल्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। इतनी यहाँ पर वैरायटी आपको एक्सल्स की देखने को मिल जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।